हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं 100 मार्क्स 12th रेनबो इंग्लिश बुक। ओके, चूंकि आपको पता है कि एग्जाम आपका करीब आ चुका है, इसलिए मैं तेजी से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव का पार्ट मैं लेकर आया हूं, थर्ड पोएट्री सेक्शन। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, 10 कविताएं आपको पढ़ना है और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 15 दिन में आप 10 चैप्टर याद कर जाए और 15 दिन में उधर 11 कर जाए, यानी पूरा का पूरा काम एक महीने में क्या हो जाना चाहिए, तमाम होना जाना चाहिए। और केवल इंग्लिश ही नहीं पढ़नी है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सबको लेके चलना है। हरवाही एक बगल से करना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बन्ना मिल गया तो छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको भी कुदारी उदारी से मिलाकर, कुदाल से और समतल करके चलिएगा, ठीक है। तो सबको लेकर चलना, ऐसा मत सोचिएगा कि पहले इंग्लिश का पूरा तैयारी कर लेंगे ना, उसके बाद तो मारेंगे गोली मार देंगे ज्योग्राफी को, ऐसा कभी नहीं होता है। सबको एक साथ लेके चलना है, सभी विषय को। एक चैप्टर अगर इंग्लिश का कर लियो तो ज्योग्राफी का भी करो, पॉलिटिकल साइंस का भी करो, नहीं हिंदी का भी करो, लेकिन रूटीन तो आपकी चलती ही है। मैं बराबर आपके लिए, केवल वीडियो देख लोगे ना तो तुमको यहां अच्छे नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो तैयार हो तो शुरुआत करते हैं, तीसरा चैप्टर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, तो गिराइए पत्ता को। पहला क्वेश्चन, द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम्ब। नाइटिंगल जानते हो ना, एक गाने वाली, मधुर गाने वाली चिड़िया है। कहता है कि द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, अब गाने वाली चिड़िया जो है नाइटिंगल, वह क्या हो गई है, डम्ब हो गई है। डम्ब समझते हो, डम्ब का मतलब होता है उसका आवाज अब नहीं, गूंगी हो गई है। इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग। आप ही बताए, जब पत्ते गिर जाएंगे तो जब पत्ता पेड़ पर रहेंगे ना, हड्डी लेकर आएगा खड़ा, तो क्या होगा, क्या उस पर कोई चिड़िया आके बैठेगी? अरे चिड़िया तो इसीलिए बैठती है ताकि उसको छाया मिले, उसको फल मिले, और जब फल ही नहीं मिलेगा, छाया नहीं मिलेगा, तो क्यों? तुम भी इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हो कि तुमको ज्ञान मिल रहा है, अगर ज्ञान नहीं मिलेगा तो देखोगे एकदम आवाज ठीक नहीं है इसका। चलो तो दो नंबर क्वेश्चन देखो, देखा जाए, दो नंबर क्वेश्चन, एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, और गाने वाले चिड़िया गूंगी हो गई है, एंड द डैश विल नॉट, एंड डैश द विल नॉट कम, कम होना चाहिए, ओम लिख दिया है, भगवान का नाम ले लिया है, विल नॉट कम, नहीं ये जो है यहां पे एंजल विल नॉट कम, एंजल, एंजल का मतलब क्या होता है पता है, अब देवदूत भी नहीं आएंगे, यमदूत जो हमारे प्राणों को ले जाएंगे। सुनिएगा, ये कविता का लाइन था, आपको फील करना, आप कविता पढ़े रहते, कविता लिखेंगे तब याद हो जाएगी, और जब याद हो जाएगा तब भरने में आसानी नहीं होगी। तीसरा, नर्सेज, नर्सेज का मतलब होता है बड़े पेड़ों के नीचे छोटी छोटी पेड़ को नर्सेज कहा जाता है। नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, अब नर्सेज कहां चली गई है बाबू, ग्रेव कब्र में जा रही है, जाती है, इज फ्रॉम, नर्सेज आर टू द ग्रेव आर Gone is from, कहां से लिया गया है, Now the leaves are falling fast, जब तक कविता पढ़ेंगे नहीं तब तक लाइन याद रहेगा, और लाइन नहीं याद रहेगा तो मना दीजिएगा, अचार को बना दीजिएगा, कौन चीज कहेगा कि नहीं भाई तो बात चीनी है, और मजा से खाइएगा, अरे खट्टा लग रहा है, आजकल नया चीनी आया है खट्टा वाला, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह है किसका ना, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ का है कि ऑड टू ऑटम का है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मार हनुमान जी के ना, हनुमान जी का नाम लो, आंख बंद करो, मर तो कौन पर गया, अच्छा ले नंबर भी उसी आंख मुन के हनुमान जी गेर मार देंगे। तो आप लोग याद रखिए लाइन। चौथा देखो, W.H. Auden won the prize in 1948, W.H. Auden won the dash prize in 1948, 1948 में कौन पुरस्कार जीते थे जानते हो, पुलित्जर पुरस्कार, कौन पुरस्कार, पुलित्जर, कौन, W.H. Auden, कब जीते थे, 1948, 1948 में। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, अब यह जो लाइन है आपका, यह क्या करा, फॉर्म, इसमें भी कविता का लाइन भरना है, तो एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, फ्रीज माने समझ रहे हो ना, अब जो एक्टिव हैंड है, जो सक्रिय हाथ है, जो अभी चल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, गीत गा रहे हो, खूब इधर उधर क्या कर रहे हो,
खेत हड़प रहे हो, मार दे रहे हो, किसी को लेके भाग रहे हो, ये सारा जो है क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। फ्रीज माने समझ रहे हो, जम गया है। जम का मतलब अब मृत्यु अवश्य होगी। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। लोनली अकेले ऑन द सेपरेट नीज मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे जो घुटना है उस पर हाथ तुम्हारा पड़ा हुआ है। सिक्स है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नर्स स्टैंड फॉर, नर्स किसके लिए आया है, किस अर्थ में आता है, आप ही बताइए। तो ये ट्री के लिए, बताए थे ना कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, नर्सेज कहा जाता है। तो कौन हो जाएगा, अ ट्री। सेवन देखो, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। विस्परिंग नेबर्स समझते हो, विस्परिंग माने फुसफुसाने वाला, फुसफुसाने माने तुम लोग जैसे बात करते हो ना, वीडियो इधर चल रहा है और तुम लोग इधर फुसफुसाते रहते हो आपस में, तो वही है। वो जो विस्परिंग नेबर्स है वो स्टैंड फॉर किसके लिए आया है, तो ये आया एजेंट्स ऑफ डेथ, किसके लिए, यमदूत के लिए। यमदूत कौन होते जानते हो ना, जो तुम्हारे प्राण को हरण कर लेता है, यमदूत, मृत्यु दूत। एट नंबर देखिए, ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम, ट्रॉल्स जो यूज किया गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आर डैश मेथोलॉजिकल क्रिएचर्स। ये मेथोलॉजिकल एक पौराणिक कथा का जीव है, बता सकते हो ये कहाँ का है, तो ये है स्कैंडिनेवियन, हाँ स्कैंडिनेवियन जो है मेथोलॉजिकल क्रिएचर्स है। नहीं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम्स, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इज डैश पोएम, किस प्रकार की कविता है, अ पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी कविता है, कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, करेक्ट है। दस नंबर, हु हैज कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किसने लिखा है कविता, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डेन। और 11 नंबर है, ऑर्डेन वन द पुलित्जर प्राइज इन, ऑर्डेन ने पुलित्जर प्राइज को जीता है, कब जीता है, 1948 में। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, समझ में आ रहा है, अगर दिक्कत हो रहा तो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। 12 देखो, फॉर ऑर्डेन पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम, ऑर्डेन पोएट्री क्या है, एक सीरियस गेम है। ऑर्डेन वाज, ऑर्डेन कौन है, तो ऑर्डेन एक पोएट है, ए वर्स ड्रामाटिस्ट है, अ सीरियस गेम है, सब ऑल ऑफ दिस। 14, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इज क्या है, लिरिक है, लिरिक माने समझते हो ना, जिसको गाया जा सके वैसा कविता है। 15 देखो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में कौन सा उदासी या एक फ्रस्ट्रेशन आ गई, निराशा आ गई है, तो कौन है, इनेक्ट्स, इनेक्ट्स द माने बढ़ावा देते, इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। 16, W.H. ऑर्डेन हैज रिटन द पोएम, W.H. ऑर्डेन ने लिखा है, कौन सी कविता लिखा है, W.H. ऑर्डेन ने यहाँ पे गलत कर दिया है ऑप्शन में, W.H. ऑर्डेन आप फिर लिख दिया, W.H. क्या W.H. ऑर्डेन ने W.H. ऑर्डेन लिखा है, नहीं, तो ये लिख कौन सा कविता लिखे हैं, क्या नाम इनका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलो 17, द प्रैम्स आर, प्रैम्स क्या है, रोलिंग है, रोलिंग माने होता लुढ़कने वाली गाड़ी जो बच्चा खेलता है, नहीं, तो प्रैम्स क्या है, एक लुढ़कने वाली गाड़ी है। 18, द ट्रेवलर्स आर वी डैश बींग्स मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ, कहता है द ट्रेवलर्स आर यात्री है, वी कौन है, ह्यूमन मानव बींग्स, मानव जाति, यात्री कौन है, मानव जाति, मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ, तो जो कहां चली जा रही है, मौत के करीब आ रही है, किसकी ओर आ रही है, मौत के, टुवार्ड्स आवर मत, हमारे टुवार्ड्स आवर डेथ, हमारे मृत्यु के करीब आ रही है, नहीं की ओर आ रही है। 19, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, क्या डेथ से कहीं बेहतर है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, क्या कर रहा है कि मानव का जीवन जो है उतना बेहतर नहीं है जितना मृत्यु, कि मानव का जीवन मृत्यु से कहीं क्या है, बेहतर है, मृत्यु से कहीं बेहतर क्या है, मानव जीवन है,
आगे देखिए, आई में लिखा है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, मतलब मानव का जीवन उतना अच्छा नहीं है जितना कि मौत। नहीं, द लीव्स आर फॉलिंग, द लीव्स आर फॉलिंग क्या फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 21, ट्रीज शेड देयर लीव्स, जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वह क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं अपने कौन चीज पत्तियां, ऑटम। कब गिरा रही है? ऑटम, ऑटम माने शरद ऋतु में, कौन ऋतु में? 22, द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, लीफलेस माने होता है पत्ता रहित, पत्ता रहित पेड़ों को देखकर हैज बिकम डम, कौन गूंगी हो चुकी है, कौन गूंगी हो चुकी है भाई, नाइटिंगल, नाइटिंगल, नाइटिंगल गाने वाले चिड़िया क्या हो गई है, गूंगी हो गई है। क्यों गूंगी हो गई है? क्योंकि पेड़ में पत्ते ही नहीं है। अगला 23, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, क्या कहा है, डैश वाटरफॉल, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। वाटरफॉल समझते हो ना, जो पहाड़ पर से पानी गिरता है झरने का, तो जो वाटरफॉल हो रहा है, कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स, वो आशीर्वाद क्या कर रहे हैं, कुड दे सकते थे किसको, पासिंग थ्रू दैट वे, उस रास्ते से जो गुजर रहे थे, कौन, व्हाइट वाटरफॉल, उजले रंग का, नहीं। अगला 24, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ द डेथ, कहता है द फॉलिंग ऑफ, किसका फॉलिंग, किसका गिरना जो है रेफर कर रहा है स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, कि मृत्यु बहुत तेजी से आ रही है, किसका गिरना, द फीलिंग फॉलिंग ऑफ लिप्स, पत्तों का तेज गिरना। 25, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, द डैश ऑफ डेथ, नहीं तो कौन है बोलिएगा, द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स, कहता है कि कौन है मृत्यु का जो विस्परिंग नेबर, जो क्या कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं आसपास, यहां पे फ्रेंड्स, यहां ठीक है, मैसेंजर, मैसेंजर माने दूत या संदेशवाहक, किसका, मृत्यु का संदेशवाहक, मृत्यु का दूत, मृत्यु को ले जाने वाला जो है वह क्या कर रहा है, हमारे आसपास फुसफुसा रहा है। 26, विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स यानी फुसफुसाने वाला जो पड़ोसी है, लेफ्ट एंड राइट कहां पे है, दाएं और बाएं है, इज लाइन फ्रॉम द पोएम, कहां से लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, अब नर्सेस फ्लावर ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ए लाइन रिटेन बाय WH ऑर्डन, WH ऑर्डन। तो हम लोगों ने अभी अभी तीसरा चैप्टर को पूरी तरह से क्या कर लिए, कंप्लीट। देखो जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव का तैयारी होगा उतना ही बेहतर आपका मार्क्स बनेगा, अगर आप 50-60 क्वेश्चन रहता है 50 बनाकर आ जाइएगा तो कोई रोकने वाला, 50 नंबर में एक नंबर भी कटती उड़ती नहीं है, और बच गया उधर 50 नंबर, 50 नंबर में आपको पूरा करना है कौन चीज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें भी रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है वो भी लिख कर आएंगे, तो इस तरीके से हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे, कंप्लीट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।